और ये कितने का मिलेगा? ये भी पानी है ना, सुराही गिलास। ये कितने का है? छोटे छोटे कप से मुझे बड़े चाय का कप है। हाँ, उसका सेट होता है छह का। दिखाने वाली हूँ जामा मस्जिद में। ये बहुत, तो भाई हमने आपको रमज़ान शुरू होने के एक दो दिन बाद का जो माहौल था वो दिखाया था यहाँ पर। और अब मैं भाई 6 अप्रैल है और अभी यहाँ पर बज रहे हैं 11, कुछ 11:30, और लेकिन आपको यहाँ की भीड़ को देख के बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और भाई 10 अप्रैल की ईद है, कोशिश करूँगी कि उस दिन भी आकर यहाँ पर शूट कर पाऊँ। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलती हूँ जामा मस्जिद की गलियों में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ ना वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो भाई सबसे पहले मुझे दिख गए हैं सनग्लासेस, छोटे हो बड़े हो सब तरह से। और ये कैंडी फ्लॉस, भाई बुढ़िया के बाल हम यहाँ पर कहते हैं। और यहाँ पर ये मिल रहा है टियारा, बहुत ही खूबसूरत सा। और अब हम अंदर जाते हैं तो भाई सजावट तो आपने पहले ही देख रखी थी कि कितनी सुंदर है। यहाँ पर मिलता है पान और उसी की साइड में है भाई शरबत मोहब्बत। और वैसे शरबत यहाँ पर हर जगह आपको मिल रहा है। और अब आप देखिए कि अब हम यहाँ पर आए हैं अल जवाहर। भाई यहाँ का भी खाना बहुत बहुत फेमस है और बेस्ट बिरयानी ऑफ दिल्ली यानी कि ज़हरा। भाई मेरे फ्रेंड फरहान ने मुझे कहा था कि यहाँ की बिरयानी आप खाइएगा, तो मैं कहूँगी कि आप लोग जब भी आते हैं तो यहाँ की बिरयानी ज़रूर खाइएगा क्योंकि उसका रिकमेंडेशन ज़रूर अच्छा होगा। मैं तो नहीं खा पाई लेकिन आप ज़रूर खाइएगा। तो शॉपिंग करने के बीच जो है, क्योंकि ईद पास में ही है और शॉपिंग के लिए जो पूरा जो बाज़ार है ना वो सज गया है। भाई जूते हो, टोपी हो, सब तरह की चीज़ें आपको मिल रही है। भाई आज यहाँ पर काफ़ी रश है। और अब आप थोड़ी से आगे जाते हैं तो आपको ये ड्राई फ्रूट्स की दुकान मिलती है। और यहाँ पर अब आप देखेंगे, मैं क्लोज़अप दिखाती हूँ आपको, ड्राई फ्रूट्स मिक्सचर आपको यहाँ पर मिलेगा, बहुत ही टेस्टी। और अब हम जाते हैं करीम्स में। कल मेरे दोस्त लोग आए हुए थे करीम्स में खाना खाने, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना यहाँ का जो डिशेज़ हैं वो भी आपको दिखाई जाए। भाई जब भी यहाँ पर जाते हैं ना तो मुंह में पानी आ जाता है। कबाब हो और चिकन हो, वो सब मिलेगा। और अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप पहले वाली वीडियो भी देखेंगे, करीम्स में इतनी भीड़ नहीं थी भाई, कल तो काफ़ी रश था। और अब मैं और आगे जाती हूँ तो जवाहर होटल के यहाँ पर आपको पूरा जो है फुल्ली पैक्ड असलम चिकन हो, कुरैशी कबाब हो, सब पूरा पैक था। और यहाँ की भाई बिरयानी बनकर तैयार है, मटन बनकर तैयार है, रोटियाँ बनकर तैयार है, चिकन सब कुछ यहाँ पर तैयार है। और अब आप देखिए भाई ये जो बाज़ार है वो भी सज गया है। और दूध में मिलाकर आप इन्हें खाइए, खाजा इन्हें कहते हैं, या फिर अगर आपको पता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बता दीजिएगा। शाही टुकड़ा, भाई हमने इतना सब कुछ खाया है तो डेजर्ट की बात हो और शाही टुकड़ा की बात ना हो तो कैसे बनता है। और भाई अब आपने देखा होगा कि ये जो है ये काफ़ी फेमस हो गए हैं। जब मैंने पहले भी वीडियो डाली थी वो तो नहीं दिखे हैं, लेकिन उनके जैसे यहाँ पर इस गली में बहुत सारे लोग दिख गए हैं। और फिर मैंने देखा कि भाई क्योंकि शॉपिंग के लिए भी बाज़ार सजा हुआ है तो यहाँ पर बहुत सारी जो है ये जो टोपीज़ हैं वो मिल रही हैं 100-100 रुपये की। जितने भी आप देख रहे हैं वो एक ही प्राइस है 100 रुपये, चाहे आप एम्ब्रॉयड्री लें या फिर सिंपल लें, तो सभी यानी कि 100 रुपीज़ में एक टोपी। आप यहीं पर बैठते हैं कैंडीज के लिए। यहाँ पर आप क्या क्या देते हैं? अनारदाना है, हिंगोली है, आम पापड़ है, कैंडी है, जेली है। अच्छा, ये तो आपने बचपन के दिनों की याद दिला दी। और ये कितना कितना पैकेट है? ये और 10 रुपये पैकेट। और भाई मछली वाली गोली याद है जब बचपन में खाया करते थे वो वाली गोली। और ये है पान वाली गोली। और ये तो सब के सब वही है। और अनारदाना ये कितने का है? 30 रुपये। 30 रुपये का आम पापड़ है ना? कच्चा आम का। कच्चा आम का, यस। और ये वाला, वाह भाई, ये सब ये नहीं खाओ तो। और ये कैसा है? 20 रुपये का। ये कैसे चलता भैया? हवा से। अच्छा, हवा से चलता।
भाई आपकी बचपन की यादें ताज़ा हुई हैं। चलिए अब मैं लेकर चलती हूँ आपको, यहाँ पे मेहंदी भी मिल रही हैं, बहुत ही अच्छी मेहंदी हैं। फिर मुझे मिली सुरमेदानी, तो ये जो सुरमेदानी है आपको 50 रुपये से यहाँ पर शुरू होती है, जो छोटी से छोटी जो सुरमादानी है, जिस तरह से जैसे ये वाली जो है ये 50 रुपये में है, 100 रुपये में है, 250 रुपये में है, 450 रुपये में है, तो हर रेंज की आपको यहाँ पर जो है वो सुरमादानी मिल जाएगी। जैसे ये वाली 250 रुपये में है, और अगर आप और महंगी चाहते जैसे ये जो शीशे वाली है ये 450 या 550 रुपये की सुरमादानी है, तो मैंने सोचा कि चलिए आपको अब इस शॉप के, मुझे तो अच्छा लगा था और इस शॉप के आपको अंदर लेकर चलती हूँ कि और यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो चलिए, जैसे ये जो था ये अगरबत्ती स्टैंड है, ये आपको मिल जाएगा 200 रुपये में, तो बहुत ही नॉमिनल से प्राइजेस हैं, आप इनसे और भी कम करवा सकते हैं अगर आप यहाँ पर चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि शॉप के अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या मिल सकता है। पान बार है, और ये कितने का मिलेगा? छोटा सा जो 800 रुपये की है, 1200 रुपये की है, 1500 रुपये, अलग अलग साइज। ठीक है, और ये कितने का है? ये सब जो है ये 1200 रुपये की है। 1200 रुपये, 1200, 1500। अच्छा, इससे बड़ा साइज होती है कौन सा? ये वाला? हाँ, ये तो ये सारे पानदान है ना? हाँ, ये सारे पानदान। ठीक, ये उगलदान है। क्या है? पान खा के जो थूकते हैं। हाँ, 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 कौन सा है ये? ये उगलदान, ये वाला। अच्छा, आप दिखाइए मुझे एक बार। या तो ले भाई, दे जाते। ये कितने का रहेगा? ये 1200 रुपये का रहेगा। अच्छा, छोटा साइज भी है? इससे छोटा साइज भी है। चलो छोटा वाला खोल कर दिखा देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। 600 रुपए की इनमें, 600 रुपए, 600 रुपए। और बाँ, बड़े वाला अपने कितने बोला? ये 1200 रुपए, 1200 रुपए का। ये छोटा 600 रुपए का है, ये 1000 रुपए के, 800 रुपए के, अलग। अच्छा अच्छा, और भैया ये जो मैं पीने के लिए पानी है ना, सुराही गिलास, ये कितने का है? ये 1500 रुपए, ये 1500 रुपए का है। अच्छा, और ये मैं खूबसूरत से ये चीजें देख पा रही हूँ। ये वाली कितने की है? क्या चीज ये सब? ये तो 1000 रुपए का, 1000। फूल लगाने के लिए? अच्छा, फूल लगाने के लिए। हाँ, हाँ। ये कितने का है? ये 2500 रुपये की पेड़ है इसका। 2500 रुपये का पेड़ है, ठीक है। अच्छा, ये मैं जो बड़ा सा ये देख पा रही हूँ, हाँ, ये कितने का है? ये 3500 रुपये का, 3500 रुपये का है। भैया के पास बहुत सारी चीजें दिख रही है। ये छोटे छोटे कप से मुझे बड़े चाय का कप है, उसका सेट होता है 6 कप। हाँ, और ये कितने का? 3500 रुपये की साइड है, 3500 रुपये का ये पूरा सेट। अच्छा, ये भी मुझे अच्छे से लोटा है। हाँ, लोटा ये कितने का है? 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये। अच्छा, और ये जो ब्लैक में दिख रहा है ये भी लोटा ही है, कितने का रहेगा? ये 1500 रुपये, 1500 रुपये का। ठीक है भैया, ठीक है। 932 जो है ये है शॉप का नंबर, ये इमरान स्टोर के नाम से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और एक्चुअली मैं आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी हॉन्किंग की, तो इसी वजह से मुझे वीओ करना पड़ा इस पर। भाई फिर हम चलते हैं शाही शीरमल खाने के लिए हाजी नदीम के पास। और भाई ये भी शॉप जो है ये भी बहुत, मुझे एक्चुअली में पता है क्या है, मेरे साथ थोड़ा सा एक अलग सिस्टम मेरे लिए वर्क करता है। मुझे लोग जब अच्छे मिल जाते हैं ना, तो मुझे उनकी हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और जब उनका प्रोडक्ट भी बहुत टेस्टी होता है और लोग अच्छे होते हैं, तो फिर वो कहते हैं ना सोने सुहागा, तो कुछ इसी तरह से है भाई। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यार से आपको खिलाएंगे। आप यहाँ पर देखिए गोदावरी स्टोर है, अब यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स की हर किस्म आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आप यहाँ पर आकर भी जो चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर हम हाजी मोहम्मद यहाँ पर हम चलते हैं, तो यहाँ पर भाई जो चिकन था वो बिल्कुल तैयार हो रहा था, ताज़ा ताज़ा, मतलब जो भी चीज़ आपको यहाँ पर खाने को मिलेगी ना वो बहुत ही फ्रेश होगी, मतलब साथ साथ बन रही होगी, ये नहीं है कि पैक्ड फूड है, नहीं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपको जामा मस्जिद के खाने में जो है ना वो यही है कि ताज़ा ताज़ा सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है भाई। चिकन मैरिनेट होकर तैयार है, और आपने देख भी लिया है कि किस तरह से जो वो तला जा रहा है, तो आप यहाँ पर भी आकर जो है ना चीज़ें जो है टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई फेवरेट है रेस्टोरेंट तो वो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। भाई यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं इडली, और बहुत अच्छे बहुत अच्छा है। तो अल जवाहर की बिल्कुल सामने आपको ये चीज़ मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आई क्योंकि वहाँ पर भी ये है मेरे साथ, तो इनको बोल दीजिए कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आए अपने पास कितने लेने। बहुत सारे इधर है, ये लेना तो जाओ
डालना, मुझे नमक ये डालना जी। ठीक है, ओके बाय। कैसा लगा आज का व्लॉग? भाई ईद को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं तो जामा मस्जिद की जो रौनक है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और रमज़ान जब शुरू हुए तो उसके एक दो दिन बाद जाकर भी जो वीडियो थी मैंने वीडियो के द्वारा आपको दिखाया था कि किस तरह का माहौल है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियोज़ ने जो जस्टिस किया है कैप्चर करने में, जो वो वाइब है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कल एक और व्लॉग लेकर होंगी हाजिर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।